अल्लाह, अम्मा को कैसे बताऊंगी मैं। और ये इस कुत्ते को भी चेन नहीं, भूखे जा रहे हैं, इसको भी टेंशन हो गई बतूल की। निशु क्या है? आज से बोल भाई हूँ तेरा मैं। हाँ, बहुत अच्छे कारनामे के ना, भाई हूँ तेरा। शर्म तो आती नहीं होगी? बड़ा भाई होने में किस बात की शर्म? क्या जरूरत थी उस मुसीबत को घर लाके बिठाने की? ये नहीं बता सकता मैं, ये नहीं बता सकता मैं। अब क्या करेंगे उस नुसरत के बारे में? कुछ सोचो। उसका क्या सोचना है? अल्लाह तोबा नवाब भाई, तुम तो ना बहुत ही सेल्फिश हो, मंड के सेल्फिश हो तुम। इमोशनल डायलॉग नहीं मार, भूख लगी है बतूल को। हाँ भूख लग रही है सबको, डिनर चल रहे ना यहाँ पे। अगर उसको भी जरा सी शर्म होती है तो मुंह उठा के नहीं आ जाती हमारे घर पे। क्यों ना आती, बीवी है मेरी वो। मैं तेरे से बहस करना नहीं चाहता, खाना गर्म करके लिया। हाँ खाना गर्म करके तू, मैं तो ना फ्रीजर से ठंडा खाना भी नहीं दूँ इसको। बहुत शौक हो रहा है ना बीवी के नखरे उठाने का, तो खुद जाओ खाना गर्म करके पेश कर दो उसको। मैं कैसे लेके जाऊँ, क्या सोचेगी वो? उसने जो सोचना था ना समझ भी लिया तुम्हारे बारे में, सोच भी लिया, और ऊपर से नीचे हिसाब भी लगा लिया तुम्हारा। क्या हिसाब, कैसा हिसाब? तमगा जोरू का गुलाम मिलने वाला तुमको पाकिस्तान की तरफ से। बहुत बहुत मुबारक हो जोरू के गुलाम। हाँ मैं हूँ जोड़ू का गुलाम हूँ, क्या कर लेगी तू? खाना यार। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, जैसे शनास तुम्हारी तारीफें करती थी ना, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। दादी आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे शनास ने बताया था। तुम्हारी अम्मा अब्बा से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन तुम तो उनसे भी बढ़कर हो। दादी बस आपकी सिफारिश, मेरा मतलब है आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। दादी मैं ना शनास को बहुत खुश रखूँगा, कभी कोई दुख नहीं दूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो बेटा, सही वक्त पे जो मुस्बित कदम उठाते हैं ना, उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा रहता है। सही कह रही हैं दादी आप, मैं तो ना ये कदम बहुत पहले उठाना चाह रहा था, लेकिन अम्मा अब्बा को बताना ज़रूरी है ना भाई। सही बात है। देखो मसला पता है क्या है, हर माँ बाप अपनी औलाद को लेके बड़े अजीब अजीब सी टेंशन में रहते हैं, अजीब से अंदेशे होते हैं उनके दिल में, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि मेरा सादत तुमसे मिलके ना उसके सारे अंदेशे दूर हो जाएंगे। जी दादी इंशाल्लाह। दादी वो अंकल नहीं आया अभी तक? दादी दादी बाबा आ गए। अच्छा अच्छा, देखो बात सुनो, जब तक मैं ना कहूँ ना तुम मज्जू के सामने मत आना, जाओ बाबा को भेजो। जी जी दादी। दादी घबराहट सी हो रही है मेरे को। क्यों बेटा, घबराने की क्या बात है? अरे मेरा बेटा पुलिस वाला जरूर है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, ये अज्जू है। तुम? मुझे आप? तुम एक दूसरे को जानते हो? अम्मा पुलिस स्टेशन में मेरी रोज चोर और डाकुओं से मुलाकात होती रहती है। क्या हो गया तुम्हें, अज्जू तुम्हें चोर डाकू नजर आ रहा है? अम्मा ये मुझे पुलिस स्टेशन में मिला था, बैठ जाओ। हैं अज्जू, तुम पुलिस स्टेशन क्या करने गए थे? दादी मैं ना अचानक, मैं बताता हूँ अम्मा, वो एक लड़का है उसको हमने पुलिस स्टेशन पे गिरफ्तार करके रखा हुआ था, वो क्या नाम है उसका? मुन्ना। हाँ हाँ मुन्ना मुन्ना। नहीं दादी मेरा दोस्त थोड़ी है वो। नहीं तो मैंने कब कहा गया तुम्हारा दोस्त है? मैं तो इंसानियत के नाते चला गया था दादी। हैं? वो तो मुझे लग रहा है कि इंसानियत तुझमें कूट कूट के भरी हुई है। वो तुमने क्या कहा था कि मैं तुम्हारा शुक्रिया इसलिए अदा नहीं कर रहा कि तुमने जो है ना इसको आज़ाद किया है, तुम्हारी ड्यूटी है, हैं ऐसा ना? नहीं अंकल, मैं ना जज्बाती हो गया था, मेरे से ना किसी का दुख नहीं देखा जाता, किसी की परेशानी बर्दाश्त नहीं होती मेरे से, सब दिल का होना भी बहुत। अरे क्या हो गया, क्या हो गया अगर वो इंसानियत के नाते चला गया तो? और भाई पुलिस स्टेशन तो कोई भी जा सकता है। अम्मा हमदर्दी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्टिंग करना बहुत बुरी बात है। तुम आराम से बैठो, जाओ तुम फ्रेश होकर आओ, फिर बात करते हैं। अम्मा इस मौजू पे दोबारा बात नहीं होती, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अच्छा जाओ तुम। हाँ। चलो दादी अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, आराम से बैठो, पुलिस वाला जरूर है लेकिन शहनाज का बाप भी है, मैं बात करती हूँ, तुम बैठो आराम से। दादी आप कहाँ जा रही हैं? आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, तुम आराम से बैठो। उसके अब्बा ना आ जाए, भूख लग रही, टेंशन है। अज्जू नहीं शनाज, मैं चोरी थोड़ी कर रहा था मैं। अरे मैंने कब कहा तुम चोरी कर रहे हो? अच्छा वो शनाज तुम आ गए यार, मैं ना बहुत घबराहट हो रही, डर लग रहा है मेरे को। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम बाबा से पुलिस स्टेशन में मिले थे? अब यार मेरे को क्या ख्वाब में आएगा तुम्हारे बाबा है वो।
मैं पता नहीं जोश में आके क्या क्या बोल गया उनको। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे क्रिमिनल्स के साथ रिकॉर्ड है? मैंने सोचा जितनी तुम्हारी शक्ल अच्छी है उतने ही तुम्हारे काम अच्छे होंगे, लेकिन तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अज्जू बाबा को? क्या बोल रही हो शनाज, मुंडा क्रिमिनल थोड़ी है कोई। तुम तो सुंदर की बेस्ट फ्रेंड हो, तुम तो जानती हो ना उसको। हाँ सुंदर के बाबा होते तो मैं कभी नहीं जाता पुलिस स्टेशन। अज्जू क्या होगा अब? पता नहीं क्या होगा अब। तुम्हारे पापा को कोई राजी करने का तरीका है? आइडिया दादी। क्या दादी? अरे दादी है जो बाबा को हैंडल कर सकती है। मैं देखती हूँ, रिलैक्स, तुम टेंशन लो, चाय बिस्किट एंजॉय करो। शनाज वो चोरी वाला है ना, अब्बा को नहीं बताना। अरे कुछ नहीं बताऊंगी, खाओ तुम, खाम खा परेशान होते रहते हो। यार इस बुड्ढे को भी शनाज का अब्बा ही निकलना था। मुझे ये पंचायत एक तो टेंशन में भूख भूख लगती है। सादत, घर आए मेहमान से कोई इस तरह का सलूक करता है? अम्मा आपको पता नहीं अज्जू ने मेरे साथ कैसे बदतमीजी से बात की थी, और जिन लोगों से इसका मिलना जुलना है ना, वो इससे दो हाथ और आगे हैं। देखो मैं तुम्हें एक बात समझा देती हूँ, शहनाज अज्जू को बहुत पसंद करती है और हमें उसकी पसंद का एहतराम करना पड़ेगा। अम्मा ये क्या हुआ, शहनाज जिसको पसंद करे उसे हम भी पसंद करें? नहीं, मैं किसी चोर के साथ अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है, अज्जू चोर या डाकू है? अम्मा जो चोर के पीछे आता है ना, वो भी हमारे नजर में चोर होता है। ये भला तुम कैसे कह सकते हो अज्जू के बारे में? देखो अम्मा, ये अज्जू की सिफारिश आप ना करें, मुझे अज्जू के साथ रिश्ता नहीं करना। कैसे नहीं करना भाई, अगर वो किसी का हमदर्द बन के उसके पीछे चला गया है उसमें क्या हर्ज है? और चोर डाकू को तुम इस तरह पकड़ते हो? अम्मा अच्छा बस, बड़ा आया कहीं से पुलिस वाला बनके। अरे ना तुझे चोर की पहचान है ना डाकू की। अम्मा आप तो मेरी बेइज्जती करने लग गई हो। तो तुम्हारी हरकतें ऐसी क्यों करवाती हो अपनी बेइज्जती? अम्मा आपको तो गुस्सा ही आ गया। जब तुम बातें ऐसी करोगे ना तो मुझे तो गुस्सा आएगा। चलो ठीक है, दफा करो, तुम्हें नहीं करना ना रिश्ता, मैं जाके मना कर देती हूँ। अम्मा रुकिए तो। आप क्यों रोक रहे हो, मना करने दो ना जाके उसको। वो क्या है कि अम्मा सॉरी। अम्मा किस बात की सॉरी? अम्मा वो अज्जू के साथ मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। तो यही तो मैं तुम्हें समझा रही थी। मैं मिल लेता हूँ अज्जू से। दिल से कह रहा है ना? मैं दिल से ही कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब अज्जू के साथ कोई पुलिस वालों की तरह सवाल मत करना। अम्मा हूँ पुलिस वाला तो। अच्छा बात सुन, घर में बेटा और बाप बन के रहा कर, पुलिस वाला बनकर नहीं, समझा? अच्छा अम्मा आप चले, मैं फ्रेश होके आता हूँ। चलो ठीक है, जल्दी आना, मेहमानों को ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं। जी अम्मा। अरे दादी क्या कहा बाबा ने? क्या कहना था? अरे अपनी पुलिस गिरी झाड़ रहा था, लेकिन तुम्हें पता है ना बड़े बड़े पुलिस वालों का दिमाग ठीक कर देती हूँ। ओहो दादी प्लीज अपनी बड़ाई बयान करनी बंद करें, मुझे बताएं कि बाबा ने क्या कहा है। मुझे भला कोई इनकार कर सकता है, जा रहा है अज्जू से मिलने। सच दादी, बाबा मान गए? मेरी वजह से? हाँ हाँ दादी आप ही की वजह से। अच्छा चलो ठीक है, मैं वहाँ जाके बैठती हूँ। हाँ आप जाए, मैं अज्जू के लिए देखती हूँ कुछ किचन में। Thank God सब सेट हो गया, मैं तो इतनी परेशान थी, लेकिन दादी I love you so much। यहाँ बैठी हुई है? नहीं मुझे तो कहीं और बैठना चाहिए था ना। अच्छा प्यारी सी छोटी बहन नहीं है, मुँह ठीक कर लेना, एक बात करनी है। कोई काम होगा प्यारी सी छोटी बहन, बोलो क्या काम है? वो तेरा रूम चाहिए। हैं? मेरा कमरा? तो मैं कहाँ सोऊंगी? यही सो जाना ना, मंजा बिछा के। अल्लाह तौबा नवाब, भाई तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बहन को कह रहे यही सो जाना ना मंजा बिछा के, मैं नहीं छोड़ूंगी अपना कमरा। बस देख बतूल को एडजस्ट करना है, और नुसरत को तू जानती है वो कैसी। हाँ मैं भी ना नुसरत के साथ साथ रह के ना बावली हो गई हूँ, बस मैं नहीं हटूंगी अपने कमरे से। हाँ प्यारी बहन मान जाना, उसको मना लेना अपनी बीवी को। अबे वो अच्छी लगेगी नहीं नवेली दुल्हन या सोते हुए? अच्छा बहन बहुत अच्छी लगेगी, बहन को मच्छर काटे सेन में, बीवी अच्छी नहीं लगेगी सोते हुए यहाँ पे। तेरा बड़ा भाई हूँ ना, ख्याल कर ले। ख्याल कर ले ना बतूल, वो एडजस्ट कर ले ना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। शादी के बाद भी कमरा छोड़ेगी ना या अचार बनाएगी उसका? नहीं छोड़ूंगी, लेके जाऊंगी अचार बना के पराठे के साथ खाऊंगी मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी, बताए दे रही हूँ। बस फ्रेम करा के रख ले अपने पास, नहीं चाहिए मुझे तेरा कमरा, कर लूंगा कुछ भी। हाँ खुद लेके आए ना, अब जाके संभाल, मेरा कमरा चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगी, अकेले सोऊंगी कमरे में। बस चलो, बहुत शौक हो रहा था लाने का, अब संभालो दो दो बीवियों को। मैं क्यों छोड़ूंगी अपना कमरा, मैं नहीं सोऊंगी बाहर, मुझे मच्छर काटेंगे। उसका फोन आ गया।
एक तो मुन्ना भी है ना, हमेशा गलत टाइम पे फोन करता है। अभी क्या जरूरत थी फोन करने की इसको? हाँ मुन्ने बोल, अभी इस वक्त क्यों फोन कर लिया तूने? अबे यार क्या बात है, शहनाज के साथ डेट पर गया हुआ है क्या? अरे शहनाज के साथ नहीं, उसके अब्बा के साथ हूँ। तो उसके अब्बा के साथ क्या कर रहा है तू? कौन से उल्टे शौक पाल लिए तूने? शहनाज को पता चला बहुत पिटाई होगी तेरी। मुन्ना मैं शहनाज के घर आया हूँ। अरे तुझे घर में घुसने किसने दिया बे? मुन्ना समझ नहीं रहा, मैं इस वक्त बहुत टेट हो रहा हूँ। शहनाज का अब्बा कह रहा है कि तू बहुत टाइट है। अबे यार उसने जो कहा मैं बाद में बता दूंगा तेरे को, बस तू फोन बंद कर दी इस वक्त। अबे बेवफा, तू मुझसे जेल में मिलने भी नहीं आया, दो दिन तक था मैं वहाँ पे। लगता है मैं अब चला जाऊंगा, तू फोन बंद कर दे। देख कोई आ रहा है, मैं फोन रख रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ना कर निशो। अरे बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं तो शमीम बाजी। हे अल्लाह, ये नवाब उस बतूलों घर उठा के ले आए। अरे अपना ही तो खोटा सिक्का निकला। सुन तूने अम्मा को बताया? नहीं नहीं अभी अम्मा को नहीं बता सकती मैं। क्यों नहीं बताया? अम्मा को फोन घुमा, चल बता ना अम्मा को। अरे अम्मा तो टंडो आदम में भाई, वहीं पे अम्मा को हार्ट अटैक वगैरह हो गया, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले अम्मा को कराची आने दे भाई। तो अबा है, इतनी दूर की सोच क्यों रही है तू? अरे अम्मा दूर है तो दूर की सोचूंगी ना मैं। अल्लाह, ये सुन उसने नुसरत ने क्या कहा? नुसरत बेचारी क्या, वो तो खुश हो रही, कह रही अंकल की बीवी आ गई, अंकल की शादी आ गई, मासूम बावली। हाय अल्लाह बेचारी, ये सुन मुझे तो अपनी सास से खौफ आ रहा है, अगर उसको पता चल गया तो कि नुसरत साथ फ्लेट भी लेकर आई है। अल्लाह तेरी डरी सास तो फ्लेट भी वापस मांग लेगी। हाँ, और इतनी मुश्किल से मैंने रोब जमाया ना, वो भी इस दबाव की वजह से खत्म हो जाएगा और फ्लैट भी हाथ से जाएगा। नहीं नहीं बाजी, हम ये सब नहीं होने देंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा, कोई प्लेन बना। देख नवाब बाहर जो करता है वो करता फिरे, पर अब अपनी इज्जत पे आ गई, किसी ने भी बतूल को हमारे घर पे देख लिया तो बहुत बातें सुनने को मिलेगी। कुछ सोच बाजी। उसका तो एक ही हल है। क्या? उसको धक्के देके घर से निकालना पड़ेगा। हाँ पर वो मैं नहीं कर सकती, वो तू कर, जा तू बात कर। तू देख उसको निकाल कर ही आई, समझती क्या है अपने आप को? अच्छा अजू मियाँ, ये एक बात बताए मुझे कि इसके अलावा आप क्या करते हैं? मतलब ये जो हेल्प वेल्प करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? मैं अंकल जॉब करता हूँ। अच्छा जॉब करते हो, कितना कमा लेते हो बेटा? मैं कितना कमा लेता हूँ? 20-25 हज़ार रुपए कमा लेता हूँ अंकल मैं। अच्छा 20-25 हज़ार रुपए। अच्छा तुम क्या समझते हो 20-25 हज़ार रुपए जिंदगी गुजारने के लिए काफी होते हैं? अंकल अम्मा कहती हैं अगर प्यार और मोहब्बत हो ना तो चल तो सकती है। बेटा प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरता। देखो अम्मा अब्बा भी हैं, उन पर भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा तुम्हें, तो इन सबको मिला के जितना खर्चा तुम्हारा होगा ये काफ़ी है 20 हज़ार रुपये? अरे बस कर, बच्चा घबरा रहा है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मैंने समझाया भी था कि उसके सामने पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब नहीं करना। अम्मा सवाल जवाब करूंगा तो पता चलेगा किस पानी में ये बस सारे जिम्मेदारी उठा भी पाएगा या नहीं। बहुत हो गया सवाल जवाब। बेटा तुम लो ना ये बिस्किट खाओ ना, ये चाय लो, अब कोई सवाल जवाब नहीं होगा। चलो जी दादी। हाँ खाओ खाओ। अरे शहनाज जी इधर आओ बेटा। जी दादी आओ यहाँ बैठो। जी हमें शहनाज को क्यों बुला लिया तुमने? बेटा जाओ तुम अंदर जाओ, चलो उठो। चलो 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 जी जा। क्या हो गया, क्यों भेज दिया उसे? देखो अम्मा मैं शहनाज के सामने अपना फैसला सुनाना नहीं चाहता ना। इसका मतलब है तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है, इनकार कर रहे हो। तो मैंने कब कहा ये? तो फिर क्या कहा है? ओहो अजू मियां बात सुनो यार, असल में मसला ये है कि मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अम्मा। क्या कहना चाह रहे हो, कहो ना खुल के। अम्मा देखो मैं इनकी खुशी की बात कर रहा हूँ ना, बच्चों की खुशियों की बात तो कर रहा हूँ मैं। अच्छा तो बोलो ना फिर क्या कह रहे हो? खुशियों की बात? अरे तुम लो ना अजू कुछ खाओ ना। सही है ये चाय जो है शहनाज ने बनाई तुम्हारे लिए, लो बेटा लो चाय बनता है। थैंक यू अंकल। सही है ना? हाँ हाँ सही है, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा मैं जरा फोन करके आपको जरूर फोन करना है मुझे। मखन घबरा रहे थे, देखो कुछ भी नहीं हुआ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपने अम्मा अब्बा को भेज देना, रिश्ता तय हो जाएगा। अंकल तो बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं और क्या, दिल का बहुत अच्छा है। तुम शहनाज को बुला लेती ना, आ जाएगी शहनाज, अभी जरा सब्र करो थोड़ी। ठीक है जानी। ओ कहाँ चली आ रही हो, अंदर किसी के कमरे में आने की तमीज नहीं है, बाहर जाओ दरवाजा खटखटा के आओ। अबे चल ये मेरा कमरा है, तू मुझे निकालेगी यहाँ से? एक चमाट पड़ेगा ना दीवार से चिपक जाएगी। शमीमारा क्या क्या कर रही है? नवाब इसको घर से निकाल। मेरी बीवी है। तू भी झूठा और तेरी बीवी भी झूठी,
पहले दिन से ही भगौड़ी है, भाग कर आ गई ना तेरे साथ, तेरा पीछा पकड़ा हुआ था इसने। भाग के नहीं आई हूँ, इज्जत के साथ आई हूँ नवाब के निकाह में। और अगर कुछ और बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अबे चल, तू मेरा मुंह तोड़ेगी? और अकड़ किसके निकाह पे रही है? इस नवाब के, जिसकी सारी जिंदगी दोजख तो मैंने कमा कमा के भरी है। नवाब तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? बेगैरत हो गया, बिल्कुल बेशरम कहीं का। ठीक तो कह रही है। लो तो वो मेरी, तू इतना बड़ा सनमुरीद निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ तो बाद में सनमुरीद बनता, अभी से बन गया, क्या हुआ? बहुत बेशरम हो गया तू नवाब। पता है तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है, मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती ना तो कोई सनमुरीद कहता है, कोई बेशरम कहता है, कोई बेगैरत कहता है। नवाब मेरे को पता था कि तू घटिया, मगर तू इस दर्जे का घटिया निकलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो सो जाओ ना जानू, इसको तो बाहर निकालो। तुम तो बाहर निकलो ना। हाँ नहीं रुक रही, सुला दे इसको इसकी कब्र में, मुझे भी यहाँ पे लेटने का कोई शौक नहीं है। और अगर मेरी सास ने मुझे निकाला ना, और अगर नुसर तो कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं हूँ ना, दरवाजे खुले, जब आना नवाब जिंदा, जब तक मैं दरवाजे खुले रखूंगा। ये चुड़ैल तुझे दो दिन में मार देगी, देख लेना। अच्छा अभी जान, इसको नींद आ रही है। दरवाजा तो लॉक करके आओ। हाँ जानू, हर कोई मुंह उठा के कमरे में आ जाता है। लॉक कर दिया, अपना मुंह सही करो ना आप। हैं मुझे कहानी सुनाओ ना अंकल आंटी, कहानी सुनाओ ना आंटी, सुनाओ ना। अरे क्या हुआ? सुनाता हूँ तेरे को कहानी। हाँ सुनाओ ना, वो छेड़ वाली सुनाना। छेड़ वाली सुनाता हूँ। वो कुत्ता भी आया था ना, कुत्ता भी सुनाता हूँ। वो मऊ मऊ भी आई थी, मऊ भी सुनाता हूँ। सुना सुना। नफीसा तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो मैं क्या छुपाऊंगी। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बात है जरूर? अरे कोई बात नहीं है। जब से अज्जू गया है मुझे तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ वो मैं सोच रही थी, पता नहीं अज्जू पहुँचा भी गया नहीं। अरे पहुँच गया होगा, कोई बच्चा थोड़ी है जो खो जाएगा। कहो तो मैं फोन करके मालूम कर लूँ। अरे नहीं नहीं फोन मत करना। क्यों? वो दरअसल सालगिरह में गया है, शोर हो रहा होगा ना, फोन करोगे बात नहीं हो पाएगी, बेचारा परेशान ही होगा। अरे मुझे उससे ज्यादा तो तुम परेशान लग रही हो। ओफ तुमसे तो बात ही करना फजूल है। तो फिर क्यों बात कर रही हो मुझसे? अज्जू का फोन आया। हेलो अज्जू बेटा। हाँ क्या सच कह रहे? चल ठीक है आ जा, जल्दी से आ जा तू। मुबारक हो। अरे मुझे मुबारकबाद क्यों दे रही है? मुबारकबाद देनी है तो मुन्ने की अम्मा को दे। अरे तू बाप है तो तुझे ही दूंगी ना मुबारकबाद। क्या कह रही है तू? बड़ी बेशरम है, शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बातें करते हुए? लो मुबारकबाद देने में कैसी शर्म भाई। अरे शहनाज के अब्बा को अज्जू पसंद आ गया है, उन्होंने कल हमें बुलाया बात करने के लिए। अरे मगर अज्जू सालगिरह, ये बातें मेरी समझ में तो नहीं आ रही। बैठ मैं तुझे समझाती हूँ। समझाओ। अरे शहनाज के अब्बा ने अज्जू को बुलाया था। तुमने तो मुझसे कहा था कि वो सालगिरह में गया। वो तो मैंने तुझसे झूठ बोला था। मुझसे झूठ बोला था क्यों? वो तो मुझे अज्जू ने मना किया था ना। अच्छा अब समझा, वो छुप छुप के मिल रहा है और ये बात तुम दोनों ने मुझसे छुपाई थी है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कौन सी बात है, हर बात छुपाती हो मुझसे? अरे तुम गलत समझ रहे हो। अरे सुनो तो एक राम। लो भाई फिर बुरा लग गया इनको, अच्छी भली खुशी आ रही थी। अज्जू आ जाए जरा, मना लेगा अपने बाप को। अज्जू जल्दी से आ जा। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इतनी ज्यादा खुशी मैंने तुम्हारे चेहरे पे आज तक नहीं देखी। ले दादी, खुशी की वजह भी तो आप जानती हैं। अरे बेटा तेरी खुशी में तो मेरी खुशी है। अच्छा अम्मा वो मुझे भी अपनी खुशी से अलग ना समझे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। थैंक यू बाबा। बेटा देखो, औलाद की खुशी से ज्यादा माँ बाप की खुशी और क्या हो सकती है। सही बात है। अब ऐसा करो, अज्जू के माँ बाप से मिलके अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो। दादी मैं जरा खाना लगाती हूँ आप लोगों के लिए, चाय से तो बस मेरा पेट भर गया। शर्मा गई है। अम्मा मैं शहनाज की जुदाई बर्दाश्त कर सकूंगा? जानती हूँ ये एक मुश्किल मरहला है, लेकिन इस हकीकत से भला कौन इनकार कर सकता है, हर बेटी को एक ना एक दिन पराए घर तो जाना ही होता है ना। अरे पागल पुलिस वाला होके रोता है, हैं? अम्मा के पुलिस वालों को दिल नहीं होता, उनकी बेटियां नहीं होती। अरे पागल हुआ है, अभी थोड़ी शनास को रुखसत करने लगा है तू। मैंने फैसला तो ठीक किया है ना? अरे हाँ भाई, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी भी गलत फैसला नहीं करते। बस अल्लाह करे हमारी शनास के नसीब खुल जाए, बेटियों के अच्छी नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए।
बाबा दादी आ जाए, मैंने खाना लगा दिया बस। अरे इतना जल्दी, भाई मशीन में बनाया तुमने? अरे बाबा कल का रखवा था, मैंने ओवन में ही गर्म किया। अम्मा ये क्या बात हो गई, यानी अब मुझे बासी खाना खाना पड़ेगा? भाई अभी तो मेरी बेटी यहाँ है। चलो खामोशी से चल के खाना खाओ। चले खा लेते हैं भाई, हंसो हंसो, बाप को डांट पड़ी है इसलिए ना। बाबा कहाँ हंस रही हूँ, मेरी इतनी मजाल के मैं हंसू आपकी बात पे? तो फिर ये क्या है? अरे वो तो मैं खुश हो रही हूँ कि कोई तो है जो आपके कान कह सकता है। क्यों दादी? अच्छा हाथ दे, ले पकड़ ले हाथ इसका। चले चले ना, काला डंडा हो रहा है, आप लोग भी ना सारी बातें यही कर लेंगे। आज बड़ा चाय कर रही है ये भाई। हाँ भाई बहुत खुश है। नवाब, नवाब, हाय मैं मर गई। क्या मैं जानू तुम कौन हो? नवाब हूँ मैं। सुबह सुबह तुम यही से लगते हो। खूबसूरत दिखता हूँ ना? मेरे लिए नाश्ता ले आओ। क्या नहीं लाओगे? क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ जानू, क्या हलवा पूरी, क्या नान छोले, क्या अंडा डबल रोटी, चाय पराठा ले आओ। क्या जानू पैसे नहीं है ना, तो चाय पराठा आराम से मिल जाएगा। किस्मत ही फूटी हुई है, उठो लेके आओ। अभी लेके आया, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं लेके आता हूँ। कंगला कहीं का, शादी से पहले इतनी बातें करता था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बीवी को नाश्ता तक तो करा नहीं सकता। करा रहा हूँ ना। शमी वाला, मेरे को ना तुमसे एक बात करनी है। वो शायद मेरे को भी ना तेरे से एक बात करनी है। अच्छा कहो फिर। पहले तू बोल। नहीं नहीं, वो मैं लेडीज का बहुत एहतराम करता हूँ, तो लेडीज हमेशा फर्स्ट होती है, इस वजह से तू बोल। शायद वो मेरे को ना तुझसे माफी मांगनी है। हैं क्या? हाँ आई एम सॉरी, मैंने ना तेरे पे बहुत शक किया है। लेकिन शमीम, पहले मेरी बात खत्म होने देना। अच्छा बोल। मैंने सोचा बिला वजह मैंने तुझ पे इतना शक किया, तेरी जिंदगी में कौन आएगा मेरे अलावा? एवं तुझे इतनी बातें भी सुना दी मैंने, इतना नाराज भी रही मैं फजूल में, इतनी टेंशन होती रही मेरे को, इसलिए मैंने कहा मैं तुझसे माफी मांग लूँ। कि तूने मुझे माफ कर दिया ना? ये क्या सोच रहा है? हाँ क्या क्या हुआ? क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा था कि हमें फैक्ट्री के लिए इतना देर हो गया ना, चलो हम जाके, तुम तैयार हो जा फिर फैक्ट्री चलते हैं। हाँ बस मैं चादर ले लूँ। हाँ जल्दी से ले लो। इस सुन तूने मेरे को माफ कर दिया ना? पक्की? मैंने कर दिया। ए मेरे सन ग्लासेस भी रहेंगे वहां पे शमी मारा। सही है सही है। एक तो तेरा जब गुस्से में यूं मुंह बना रहता है ना, तो और भी अजीब सा हो जाता है। मेरा मुंह है ना, कैसा भी हो तू अपने आप को देखा कर। अरे लोग तो मुझे ही कहेंगे ना, तेरा मियाँ इतने गुस्से में क्यों रहता है भाई? नफीसा मुझसे बिल्कुल बात मत कर तू। इसका मतलब है तू अपने बेटे की खुशी में खुश नहीं है, है ना? अरे इसमें खुशी ना खुशी की आखिर क्या बात है? दुख मुझे इस बात का है कि तुम दोनों ने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया कि शहनाज के बाप ने अज्जू को अपने घर बुलाया। क्या मैं उसे वहाँ जाने से रोक लेता? अरे ऐसी बात नहीं है, अज्जू बहुत डरा हुआ था ना। अरे क्यों डरा हुआ था? क्या दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई हैं? क्या कोई उसे अपनी बेटी नहीं देता? इकराम ये दिलों का मामला है, दिलों का मामला समझता है ना तू? याद कर तूने कैसे जिद लगा ली थी, शादी करूंगा तो बस नफीसा से करूंगा वरना किसी से नहीं करूंगा। अरे वो जमाना कुछ और था। वो जमाना कोई और नहीं था, ये जमाना ना उससे ज्यादा तेज है। अच्छा मुझे बहलाने की कोशिश मत कर, गलती तो तुम दोनों ने की है ना मुझे ना बताकर। चलो ठीक है माफी भी हम दोनों मांग लेते हैं। अज्जू रहने दे, उसे मत बुला, खामखा शर्मिंदा होगा वो। एक तो इकराम कभी कभी ना तू अच्छा, भी बस छोड़, अज्जू से पूछ के जाना कब है वहाँ। हाँ पूछ लिया मैंने, बस तैयारी कर लो अब। अरे तो क्या आज ही तैयार होके बैठ जाऊँ? शाम में ही जाना है भाई। अब कमाल भाई पता नहीं क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे कमाल भाई, हमारे अज्जू के नसीब में ना शहनाज थी और शहनाज ही रहेगी, देख लेना। फजूल बातें सोचते हो तुम तो बस। को मिलाती हूँ यार। अबे शहनाज का फोन। हेलो
हाँ शहनाज, कैसी है? अरे मैं अच्छी हूँ सुंदस, तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ यार सुंदस, मैं एक्चुअली इतनी बिजी थी, यकीन कर मुझे वक्त नहीं मिला। मुझे बताया था अज्जू ने मुन्ना के बारे में। अबे यार मुन्ना वाली बात तो पुरानी हो गई, अब तू कोई नई बात कर। नई बात? अबे क्या वो अज्जू वाला मामला क्या खत्म हो गया? लो उसी के बारे में तो बात करने के लिए तुझे फोन किया है मैंने। ए, क्या हुआ? यार कुछ नहीं, वो एक्चुअली अज्जू बाबा से मिला है। फिर क्या हुआ? पसंद आ गया बाबा को। अरे हाय, अब तू क्या करेगी सुंदस? अबे छोड़ ना यार, मजाक कर रही थी। ये बता अज्जू के घर वाले राजी हैं? हाँ अंकल आंटी आए थे कुछ दिन पहले घर पे। अबे बहुत अफसोस हुआ मुझे। क्या उनके घर पे आने पे? अबे नहीं, इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है फोन पे, ये होती है क्या दोस्ती? यार सुंदस तुझे बताया ना मैं बिजी थी, और वैसे भी तेरा वो जो मुन्ना वाला मसला चल रहा था मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा उन दिनों तुझे परेशान करना, मैंने बस इसलिए फोन नहीं किया तुझे। अबे मुनासिब तो अभी भी नहीं है फोन करना। क्या मतलब? अबे मतलब ये कि इतना सब कुछ हो गया, तुझे घर पे आके मुझे मिलके सब कुछ बताना चाहिए था, फिर मैं मानती कि तू मेरी बचपन की दोस्त है। अच्छा ना सुंदर, सॉरी अब बस भी कर दे यार। अच्छा छोड़ ये बातें, ये बता मंगनी कब है? वो असल में आज उसके अम्मा अब्बा आ रहे हैं बाबा से मिलने के लिए, तो देखो अब क्या होता है। अभी ये क्या तू मुझे धजके में धजका दिए जा रही है? अभी तू मुझे मंगनी पे बुलाएगी भी या नहीं? ले यार तू कैसी बातें कर रही है, एक भाई तू ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अगर तू नहीं आएगी तो फिर कौन आएगा मेरे लिए? चल यार गुड लक, मेरी तरफ से ना तू खुश रहे और मेरी सारी दुआएं ना तेरे साथ है, और बाकी ना मिठाई मैं खुद ही मंगवा के खा लूंगी। अच्छा बाबा बस कर दे, तू कितना शर्मिंदा करती है बात बात पे। मैं तेरे घर पे आऊंगी और तेरी फेवरेट वाली मिठाई लेकर आऊंगी, अब खुश? अच्छा चल तू टेंशन ना ले, चल खुदा हाफिज़, फोन रख, अल्लाह। मुझे ना खुद को बदलना पड़ेगा, अब गलती तो मेरे बेटे ने की है, बर्दाश्त तो शमी मारा को भी करना पड़ेगा। अगर शमी मारा को पता लग गया तो नुसरत घर वापस आ जाएगी, इस बात को ना दबाना पड़ेगा चाहे मुझे झुकना ही क्यों ना पड़ जाए। माँ मेरे सन गिलासेस नहीं मिल रहे, ये रखे हुए, हम जा रहे हैं। अच्छा अच्छा बेटा माशाल्लाह तुम तो सूरज चांद की जोड़ी लग रहे हो, अल्लाह नजरे बस से बचाए। बस अच्छा तो बताना चांद कौन लग रहा है? शमी मारा तुम फैक्ट्री से सीधा घर आओगी या अम्मा के जाओगी? मैं वो, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें जाना है तो चली जाना, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं खाना बना के रख दूंगी। अम्मा? अरे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों भी तो घर के लिए काम कर रहे हो ना, तो मुझे भी तुम लोगों का ख्याल रखना चाहिए। अम्मा वो मेरे से अगर कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो मेरे को माफ़ कर देना। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो, बड़ों का तो फर्ज होता है बच्चों को माफ़ कर देना, और मेरे दिल में कोई बात नहीं रखी हुई। मम इतना अच्छा लग रहा है मेरे को तुम दोनों को ऐसे देखते हुए। अम्मा तेरे को पता है शमी मारा मुझसे भी माफ़ी मांग ली। अरे माफ़ी मांगना तो बड़ापन होता है, बस तुम लोग हंसते बसते रहो, खुश रहो, मेरी तो यही ख्वाहिश है। अम्मा तुम देखना अब तुमको ना शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अरे जीती रहो बेटा जीती रहो, चले अब देर हो रही है हमको, ठीक है अम्मा हम चलते हैं। अच्छा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अपने मतलब के लिए ना कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, क्या करूं, इस शाहिद ने तो परेशान कर दिया मुझे, हाँ फंस गई मैं।